गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स बेटा, आज से हम आपको इंग्लिश स्टडीज़ करवाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपका क्या है, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। इसमें क्या है, सारी जो थिंग्स दे रखी हमको क्या है, ब्राइट और ब्यूटीफुल है, चमकीली और सुंदर है, ठीक है। ये क्या है, एक पोयम है, ये आज हम रीड करेंगे। देखिए, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। अब जो हमें ऑल थिंग्स जो सारी चीज़ें दे रखी हुई कैसी है, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल है, मतलब चमकदार चमकीली है एंड सुंदर है। ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, जो सारे जीव जंतु हैं यहाँ पर क्या है, छोटे बड़े हैं, ठीक है। ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, जो यहाँ की ऑल थिंग्स है वो क्या है, वाइज है और वंडरफुल है, मतलब वाइज मतलब बुद्धिमत्ता और चमत्कारी है। द लॉर्ड गॉड मेड देम, और जो हमारे ये लॉर्ड भगवान है उन्होंने ये क्या क्या है, ये सब कुछ बनाया है, ठीक है। जो हमारी जो सारी थिंग्स है, जो हमें सब कुछ मिला है, वो किसके थ्रू मिला है, गॉड के थ्रू मिला गया है, मिला है ऐसा किस पोएम में बोला गया है, ठीक है। ऐसा ये जो बच्चा है ये प्रेयर कर रहा है, बोल रहा है गॉड से कि आपने हमें इस लाइफ में, इस अर्थ पे ये सारी चीज़ें दी है, ऑल थिंग्स प्रोवाइड किए हमें, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट जो पैराग्राफ है पोएम का, ईच लिटिल फ्लावर एंड दैट ओपन्स, और यहाँ पर क्या है, हर एक पौधों में क्या है, फूल है जो कि क्या है, खिले हुए हैं, कैसे है, खिले हुए फूल है, ठीक है। ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, और यहाँ पर जो सारे जो लिटिल बर्ड, छोटे जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, गाना गाते हैं, चहचहाते हैं। He made their glowing colors, और ये क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग कलर्स के जो क्या है, ग्लो करते हैं, ठीक है, जिन्हें आपने बनाया है, आपके थ्रू बनाया गया है। He made their teeny wings, और इनके क्या है, विंग्स भी है, पंख भी लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला पैराग्राफ देखिए अब, He gave us eyes to see them, और आपने हमें आईज दिए, आँखें दिए इन सब चीज़ों को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। एंड लिप्स दैट वी माइट टेल, और हमें हम लिप्स दिए हैं जिसे हम क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। हाउ ग्रेट इज गॉड ऑल माइटी, आप कितने महान हो भगवान। अब क्या बोला गया है, आप कितने महान हो भगवान। हु हैज़ मेड ऑल थिंग स्मेल, जो कि हमें एक ऐसी चीज़ दी है जिसे हमें स्मेल आ सके, क्या है, हमारी नोज़ है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी स्मेल ले सकते हैं, कुछ भी सूख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आज की पोयम आज कंप्लीट हो चुकी है, ये शॉर्ट पोयम थी, आज हमने ये रीड कर लिया आज की क्लास में। आया समझ में आपको, गॉड गॉड वो है जिन्होंने हमें ये लाइफ दी है, लाइफ स्पेंड करने का करने के लिए सारी थिंग्स दी है, ऑल थिंग्स प्रोवाइड की है, उन्हें हमें बताया है। तो ये क्या कर रहे हैं, बच्चे से बता रहे हैं और भगवान से प्रे कर रहे हैं, ठीक है। आज की पोयम हमारी कंप्लीट हो चुकी है आज की क्लास में, ठीक है। इसके आगे से जो हमारी एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन आंसर्स है इसके, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आप ये जो पोयम मैंने आपको रीड करवाई है, समझाई है, तो आप इसको एक्सप्लेन किया है मैंने, तो आप इसे अच्छे से समझिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे हम। और आप सुनिए, आपको बुक्स लाना कंपलसरी है, ज़रूरी है, अगर आप बुक्स नहीं लाओगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए आपको बुक्स भी लाना पड़ेगी, ठीक है। अगर बुक्स लाओगे उसमें से आप चैप्टर पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे आप अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। एंड इसके आगे सब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।